Hello students, welcome to our social science class. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13. Chapter name is Good Manners. Everyone knows ki well manners children ko sare log love karte hain, to usi pe aaj aapka ye chapter hai ki aapko apne life mein kaise manners ko follow karna hai aur tabhi aap sabke पात्र होंगे प्रशंसा के और आपको लोग पसंद भी करेंगे. तो सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रीड. एवरीवन लव्स वेल मैनर्स चिल्ड्रन. एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उसी बच्चों को प्यार करता है जो मैनर्स, यानी कि मैनर्स को हम हिंदी में शिष्टाचार बोलते हैं. तो शिष्टाचार जिसमें होता है उसी को लोग पसंद करते हैं. अक्सर शरारती बच्चों को लोग पसंद नहीं करते, आप सब जानते हैं. क्लास में भी आप जब आते हैं स्कूल में, तो टीचर भी उसी बच्चों को पसंद करती है जो वेल मैनर्ड होता है. तो ऑलवेज यूज द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ मैनर्स. इफ यू डू सो यू विल विन प्रेज फ्रॉम एवरीवन. इसमें बहुत सारे आपको दिए हुए हैं टर्म्स दिए हुए हैं मैनर्स की, जिसको आपको फॉलो करना है. तो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रशंसा के पात्र खुद ब खुद हो जाएंगे जब आप वेल मैनर्ड रहेंगे. द सेवन टर्म्स ऑफ मैनर्स. बुक में आप देखेंगे कि सेवन टर्म्स दिए हुए हैं मैनर्स के. सबसे नंबर वन पे है से प्लीज व्हेन यू आस्क समवन फॉर समथिंग. जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो आप प्लीज बोलेंगे. ये आपका मैनर से भरा हुआ दिखाता है कि आप वेल मैनर्ड हैं. तो किसी से कुछ मांग रहे हैं तो प्लीज बोल रहे हैं. सेकेंड है से थैंक यू व्हेन समवन गिव यू समथिंग. और जब कोई आपको कुछ देता है तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू. थर्ड है से सॉरी व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग. जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होता है. से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक्स टू यू. जब आप कोई थैंक यू कहता है तो आप क्या बोलेंगे उसको, वेलकम. नेक्स्ट है आपका से एक्सक्यूज मी इफ यू स्नीज इन फ्रंट ऑफ समवन. जब आप किसी के सामने छींकते या खांसते हैं तो आपको बोलना होता है एक्सक्यूज मी. इससे क्या होता है कि आप अपना मैनर शो करते हैं. से गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल यू मीट इन द मॉर्निंग. आपको पता है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो अक्सर लोग गुड मॉर्निंग स्कूल में ही बोलते हैं, बट ये कोई जरूरी नहीं है. आप किसी से भी मॉर्निंग में मिले तो आप उसको गुड मॉर्निंग विश जरूर करें. से गुड नाइट टू ऑल द पीपल यू मीट बिफोर गोइंग टू बेड. और घर में फैमिली में या आसपास में अगर आप रात होती है तो मिलने के बाद हम अक्सर उसको गुड नाइट बोलते हैं. तो ये भी आपका वेल मैनर्ड होता है. तो ये आपके टर्म्स हैं जो आपको वेल मैनर्ड शो करते हैं. अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक गुड मैनर एट स्कूल. अब स्कूल में आपका क्या क्या मैनर्स होना चाहिए उसको फॉलो करने के लिए वी मस्ट ऑलवेज रीच स्कूल इन टाइम. स्कूल में आप अक्सर देखते हैं कि आपको सबसे नंबर वन पे बोला जाता है कि टाइमली स्कूल आना है, बेल के पहले आना है. तो ये भी आपका गुड मैनर्स है स्कूल में जाने के लिए. We should wear proper uniform to school. और proper uniform means होता है कि जिसमें आप dress के साथ shoes, socks, eye card, belt, tie वगैरह जितना भी आपका uniform में है वो सारे अगर आप पहनते हैं तो इसको हम proper uniform बोलते हैं. और आपको school में हमेशा proper uniform में ही आना चाहिए. ये भी आपका good manners है. We should always help our classmate. जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं आपकी क्लासमेट, उनका हमेशा हेल्प करना चाहिए. वी शुड नॉट फाइट विद देम. और उनके साथ क्लास में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए. वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स. अगर स्कूल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास पेंसिल छूट गई या इरेजर छूट गया तो अक्सर आप हेल्प करेंगे. तो ये भी आपका गुड मैनर्स है. वी शुड नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी. स्कूल में हम लोग लाइब्रेरी यूज करते हैं तो अक्सर हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे हमको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है अपना जो डिसिप्लिन होता है वो तो ख़त्म होता है. साथ साथ जो बच्चे स्टडी कर रहे थे उनका भी कंसंट्रेशन जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है. तो लाइब्रेरी में हमेशा कीप क्वाइट ही रहना चाहिए, कभी भी टॉकिंग नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका वी शुड ऑलवेज फ्रॉम ए लाइन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन क्लासरूम टू अनदर.
जब आप स्कूल में आप जाते हैं मॉर्निंग में और आपका असेंबली होता है, तो असेंबली के बाद आप जब अपने क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में जाने के लिए आपको लाइनअप होना होता है, तो उसको भी आप वेल मैनर्ड में शो करता है कि ये आपका प्रॉपर वेल मैनर्ड है। आप वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द फ्लोर, और गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा, आप कुछ भी खाते हैं रैपर्स वगैरह, उसको हमेशा आपको कहाँ फेंकना है, अपने डस्टबिन में ही डालना है, कहीं भी फ्लोर पे नहीं डाल देना है। वी मस्ट कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन, और इससे कि हमको अपना स्कूल हमेशा नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरा रखना है। सो आवर चैप्टर इज फिनिश नाउ, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।